हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेमिना बूस्टर के बारे में। स्टेमिना होता क्या है और स्टेमिना कम होने से आपको क्या परेशानी हो सकती है और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर और आपकी लाइफ स्टाइल पर किस तरीके से पड़ता है। दोस्तों, स्टेमिना का सही होना, नॉर्मल होना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आपका स्टेमिना लो हो जाता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काम करते वक्त आपको थकावट महसूस होती है, जल्द आपको सांस चढ़ जाता है, बहुत जल्दी आप थका हुआ फील करते हैं, एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आप थके थके रहते हैं। ये जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि जब आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका स्टेमिना अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई भी वर्क सही से नहीं कर पाएंगे। वहीं फीमेल्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं उनका स्टेमिना जब वीक हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती हैं, उनको काम करने का मन नहीं करता है, कुछ काम करती हैं तो बहुत जल्दी थक जाती हैं, नींद बहुत आती है और सोने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं और अपनी सेक्स लाइफ का आनंद नहीं ले पाती। किन चीज़ों से आप अपने स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं? दोस्तों, ये मेल फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं और अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टेमिना का बहुत बड़ा रोल आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी होता है। जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं और आपका स्टेमिना कम हो जाता है और आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते और ख़ुद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे चाहता है कि आप उनके साथ फुल एन्जॉय करें और उनको सेटिस्फाई करें। आप अपने पार्टनर को ऑर्गेज्म तक नहीं पहुँचा पाते हैं क्योंकि आपका स्टेमिना लो है। तो दोस्तों, स्टेमिना को आप बूस्ट करें। कैसे ये बूस्ट किया जा सकता है? दोस्तों, आपने करना क्या है, डेली रात में एक गिलास दूध में दो खजूर पका करके पीना है। आप खजूर को ऐसे भी चबाकर खा सकते हैं और ऊपर से दूध पी सकते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों इसका यूज़ करें। दोस्तों, 15 दिन ऐसा करने से आप देखेंगे आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगी और आपको थकावट महसूस नहीं होगी, चुस्ती फुर्ती रहेगी, एनर्जेटिक फील करेंगे और आप अपनी सेक्सुअल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स जब इसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को यादगार बना सकते हैं। बेड पर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, बेड पर आपकी जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो इंक्रीज़ होगी, आप अपने फीमेल पार्टनर को चरम सुख तक पहुँचा सकते हैं, उसको ऑर्गेज्म तक पहुँचा सकते हैं, जिससे आप दोनों सेक्स लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सिर्फ 2 से 3 खजूर का इस्तेमाल करना है, डेली आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और इस मौसम में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2 गुना इसका फ़ायदा मिलता है, ये 2 गुना तेज़ी से अपना काम करता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या अपनी सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।